दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। बॉलीवुड का हमेशा से ये दस्तूर रहा है कि एक एक्टर का बेटा एक्टर ही बनता है। स्टार पेरेंट्स अपने बच्चों को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में एक ऐसा भी स्टार रहे हैं जिसे अपने बच्चों में हीरो बनने वाला टैलेंट ही नजर नहीं आया और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को फिल्मों में नहीं आने दिया। लेकिन इस स्टार के बच्चों में भी एक स्टार का ही खून दौड़ता है और उन्होंने खुद को एक स्टार साबित भी कर दिया। हम बात कर रहे हैं अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों तक हमारे मनोरंजन करने वाले मशहूर एक्टर कादर खान की। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कादर खान को एक्टिंग करते न देखा हो। कादर खान बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो जब भी पर्दे पर आए दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायलॉग राइटर कादर खान के बेटे सरफराज खान की। स्टार किड्स होने के कारण कादर खान के बेटे सरफराज खान हमेशा से एक्टिंग के माहौल में रहे हैं। पिता को एक्टिंग करते देख सरफराज खान बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहते थे। आपको बता दें कि सरफराज खान कादर खान के बेटे हैं। सरफराज खान की माँ यानी कादर खान की पत्नी का नाम अजरा खान है। कादर खान के तीन बेटे हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कादर खान ने एक स्टार होते हुए भी अपने बच्चों को फिल्मों में आने से रोके रखा। खबर के मुताबिक कादर खान को अपने बच्चों में वो वाली बात नजर नहीं आती थी। कादर खान का मानना था कि उनके बच्चों में एक स्टार या एक्टर बनने की काबिलियत नहीं है। कादर खान कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्मों में आए। कहा जाता है कि कादर खान के बेटे सरफराज खान ने जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनसे एक्टिंग को अपना करियर बनाने की बात कह ही तो कादर खान नाराज हो गए और तुरंत मना भी कर दिया। कादर खान ने बेटे सरफराज खान से कहा कि मैं बाकी एक्टरों की तरह अपने बच्चों पर बिना मतलब पैसे नहीं लगा सकता। हालांकि सरफराज खान को पिता से ऐसी बातें सुनकर काफी दुख हुआ और वो खुद को अपने पिता की नजरों में साबित करना चाहते थे। कादर खान के मना करने के बाद उन्होंने काफी मेहनत की और कुछ फिल्मों में काम भी किया। सरफराज खान को आपने बॉलीवुड के स्टार एक्टर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म तेरे नाम में देखा होगा। सरफराज खान ने फिल्म तेरे नाम में सलमान खान के दोस्त की भूमिका निभाई थी। इसके बाद सरफराज खान एक बार फिर से सलमान खान के साथ ही नजर आए। फिल्म का नाम था वांटेड, जो सलमान खान की एक और बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म में भी सरफराज खान ने सलमान खान के दोस्ती की भूमिका में नजर आए। इन दो फिल्मों से सरफराज ने साबित कर दिया कि वो भी अपने पिता कादर खान के जैसे ही टैलेंटेड हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।